इसमें हम आपको पद परिचय के अंतर्गत आपको हमें पद इसे कहते हैं अन्य परिचय, और परिचय में पद परिचय के अंतर्गत हमें समय, ये जब पद परिचय देते हैं उस समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और इसमें विकारी पद कौन कौन से होते हैं, इसमें संज्ञा पद के विषय बताते हैं कि संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं इसमें बताई गई, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। इस प्रकार से संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और संज्ञा की व्यवहारिक व्याकरणिक जो कोटियाँ हैं उन कोटियों का परिचय हम आपको बता रहे थे। उन कोटियों के विषय में यहाँ पर लिंग, वचन और कारक के अंतर्गत अब इसमें वह संज्ञा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, और यह वह किस कारक में है, ये सारी बातें इस के अंतर्गत बताई जाती हैं। संज्ञा के जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं उनका परिचय इस प्रकार से चलता है। तो सबसे पहले इसमें कारकों के विषय में आपको हमने बताया कि कारक जो हैं कार्य के चिन्ह के आधार पर इस प्रकार से हैं, कर्ता, कर्म, करण, संतदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये सारे के सारे कारक हैं और इनके कार्य के चिन्ह इस प्रकार से हैं। तो सुनिए, ने से के द्वारा, ने से के द्वारा को आगे, सुनिए को कर्म, को करण कारक, से के द्वारा साधन के रूप में, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का के की या रा रे रे, अधिकरण कारक में, पे पर ऊपर, के नीचे, के भीतर आदि, संबोधन कारक हे रे अरे ओ आदि। तो इस प्रकार से कारक के ये चिन्ह हुए, कारक और चिन्ह हुए। इसी प्रकार से संज्ञा पद का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग स्थानों पर हो सकता है, तो वाक्यों में प्रयोग इस विषय में आपको बताया। यहाँ तक संज्ञा पद का परिचय भी यहाँ पर हुआ, और इसमें हम अब इसके उदाहरण के रूप में भी आपको बताया। तो दूसरा जो है सर्वनाम पद है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इनके भेद भी अलग अलग होते हैं। हमने आपको बताया था कि इनके भेद जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम पद कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें हम देखते हैं पुरुषवाचक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनके विषय देखते हैं कि इसमें सर्वनाम पद इसके अंतर्गत संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
सरनाम कहलाते हैं। इनके भेद निम्न हैं। निम्नलिखित भेद हैं, इसमें सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम संबंधवाचक निजवाचक एक होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसमें उत्तम उत्तम पुरुष अन्य पुरुष अन्य पुरुष ये इसके भेद हुए। और इसमें सर्वनाम मैं हम और वह वे वहां में तो ये हुआ हमारा यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई कुछ कौन क्या जो जिस
डी आर स्वयं अपने आप, ये हुआ इस प्रकार से। यहाँ पर सर्वनाम पद जो है संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनके निम्न भेद बताए जाते हैं, इनके निम्नलिखित भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, इनमें अब हम अलग अलग देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो तीन प्रकार का होता है, तीन भेद इसके होते हैं। ये तीन हिस्सों में लिया जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को याद रखना, अन्य पुरुष को हम कभी कभी प्रथम पुरुष भी कहते हैं। यदि कहीं प्रथम पुरुष लिखा हुआ आ जाए तो हमें उसमें भ्रमित नहीं होना है, वह अन्य पुरुष का ही एक क्रिया है। तो इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में ये मैं, हम, मैं, हम, इसमें ये मैं एक वचन, हम बहुवचन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तू का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, तुम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है और आप का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात तू या तुम सब या आप सब। तो आप लोग, आप सब, तू एक वचन, तुम, वैसे देखा जाए कि तुम शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, आप शब्द का भी बहुवचन के रूप में ही आप सब, तुम सब। तो इस प्रकार से और तू शब्द का केवल एक वचन में किया जाता है। अन्य पुरुष के विषय में वैसे इसमें तुम शब्द का एक वचन के अंतर्गत ही इसमें आता है और हमें विशेष रूप से ध्यान इस प्रकार से हम ये मानते हैं। तो ऐसा बताया जाता है। तो इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीन पुरुष तीन भेद माने जाते हैं और इसमें निश्चय, निजवाचक, सर्वनाम इसमें आता है और ये हम हर प्रकार से इसको देखते हैं। उस निश्चयवाचक सर्वनाम यह है और वह है। इसी प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम देखते हैं कि सर्वनाम के अंतर्गत इसमें हम विशेष रूप से ये देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, जिस, निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप। तो इस प्रकार से ये हमारे ये निम्नलिखित भेद सर्वनाम के बताए जाते हैं और इसमें हम विशेष रूप से अब ये देखते हैं कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं घर जा रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं, तू यहाँ से जा, तुम यहाँ से जाओ। तो ये हमारा सबसे पहले मैं घर जा रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं, ये उत्तम पुरुष में आता है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक में जो उत्तम पुरुष है इसमें एक वचन मैं घर जा रहा हूँ एक वचन का वाक्य है, हम घर जा रहे हैं बहुवचन का वाक्य है। तो एक वचन और बहुवचन का वाक्य जो हैं इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुआ हमारा उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के विषय में जानते हैं कि तुम यहाँ से जा,
तुम यहाँ से जाओ, आप यहाँ से जाइए, तो ये हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और इसमें एक वचन बहुवचन के रूप में मध्यम पुरुष इस प्रकार के शब्दों से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वह घर गया, वे घर गए, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और हमने ये बताया कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अन्य पुरुष को हम एक प्रथम पुरुष से भी संबोधित करते हैं। प्रथम पुरुष भी इसे कहा जाता है। यदि कहीं भी अन्य पुरुष के स्थान पर एक प्रथम पुरुष लिखा हुआ आ जाए तो आप उसमें भ्रमित न हो, वह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों एक दूसरे के पर्याय ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा अन्य पुरुष। इसी प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में है कि यह ले जाओ, अर्थात किताब की ओर इशारा करते हुए कहते हैं यह किताब ले जाओ, यह ले जाओ। तो इस प्रकार से यह हमारा निश्चय वाचक सर्वनाम हुआ। वह उठा लाओ, अर्थात कलम की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह उठा लाओ। तो इस प्रकार से यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम देखते हैं बाहर कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, ये निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए हम अनिश्चयता के रूप में कह रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है। ये निश्चय नहीं कि कौन खड़ा है। यदि हमने कहा कि राजू खड़ा है तो वह निश्चय वाचक सर्वनाम, लेकिन अनिश्चय वाचक सर्वनाम के विषय में हम आपको बताते हैं कि अनिश्चय बाहर कोई खड़ा है, मेरे लिए कुछ लेते आना, मेरे लिए लड्डू लेते आना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहा जा सकता। अर्थात मेरे लिए गेंद लेकर के आना, गेंद ले आना, तो ये सारा का सारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि ये कहा जाए मेरे लिए कुछ लेकर के आना, तो इस प्रकार जो इस तरह के वाक्य हैं वह सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में देखते हैं, बाहर कौन आया है, आप क्या खा रहे हैं, बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, आप क्या खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक। तो इसी प्रकार ये वाक्य प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, वह लड़की आई है जो ट्यूशन करना चाहती है, संबंध वह लड़की आई है जो ट्यूशन करना चाहती है। इसमें वह कुर्सी टूट गई जिसे वह कुर्सी टूट गई जिसे दादाजी ने बनवाया था, वह कुर्सी टूट गई जिसे दादाजी ने बनवाया था। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा संबंध वाचक। निज वाचक के विषय में देखते हैं कि मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, वह अपने आप चला जाएगा। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से यहाँ यह देखा गया कि हर प्रकार से हम इनके विषय में पूर्ण जानकारी रखते हुए इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें ये हुआ हमारा सर्वनाम के संबंध में। तो सर्वनाम पद जो हैं इनके विषय में हमने बता दिया, जो भी संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये भेद हुए, और इन भेदों के विषय में उदाहरण सहित हमने आपको बताया, और अच्छी तरह से इनको आप देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अब हमें देखना है आगे बाद में कि इस प्रकार सर्वनाम पदों का परिचय देते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वनाम पद का परिचय किस प्रकार से किया जाता है ये मैं फिर आपको कल बताऊंगा। इस विषय में बस आज इतना ही।